नमस्कार दोस्तों, निम्बस अकेडमी रीवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मध्य प्रदेश के मेला कि कौन सा मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, वो भी बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये पूरे की पूरा याद रहेगा। इसलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन सा मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। तो चलिए सीखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कि कौन सा मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। तो यहाँ है मेला और यहाँ है उसका क्या स्थान, मध्य प्रदेश में कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो चलिए चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला मेला है मान धाता का मेला। मैं ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के शब्द में ही इसका आंसर लिखा है। कहाँ लगता है ये? खंडवा में लगता है। तो यहाँ लिखा है मान धाता यानी विधाता। कोई कहता है कि यदि मन विधाता में लग जाए तो उसे खंडित ना करना। अगला देखेंगे। अगला है गोट मार का मेला। ये लगता है जाम नदी के किनारे। ये जाम नदी छिंदवाड़ा में है। कहाँ लगता है? जाम नदी के किनारे। गोटमार, क्वेश्चन का शब्द बोल रहा है कि गोटमार यानी गोता मार। यार, गोता मार मतलब कूदने की बात कर रहा है। गोता मारना मतलब पानी में कूदना। तो गोतमार यानी गोता मार, और गोता तो लोग पानी में मारते हैं, और पानी कहाँ रहती है? नदी में। पानी कहाँ रहता है? नदी में रहता है। मैंने बोला नदी से क्या? जाम नदी। गोता तो लोग नदी में मारते हैं, तो नदी से क्या? जाम नदी। अगला देखेंगे बाण गंगा का मेला। ये कहाँ लगता है? शहडोल में। ऐसा लगता है क्वेश्चन का शब्द कहता है, यहाँ लिखा है बाण, यहाँ लिखा है गंगा। कोई कहता है कि बाण यदि गंगा में बैठकर चलाओगे, बाण जानते हैं कि गंगा में बैठकर बाण चलाओगे या बाण गंगा में बैठकर चलाओगे तो वह डोल जाएगा, सह नहीं पाएगा, वह डोल जाएगा। क्यों? कि गंगा की लहरें उसको हिला देगा। तो बाण गंगा में बैठकर चलाओगे तो सह नहीं पाओगे, डोल जाओगे। मैंने बोला सह नहीं पाओगे, डोल जाओगे, तो सह और डोल से क्या? सहडोल। अगला देखेंगे हीरा भूमिया का मेला और है तेजा जी का मेला। हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला। दोस्तों, हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला, ये दोनों मेले मध्य प्रदेश में कहाँ लगते हैं? गुना में लगते हैं। तो हीरा भूमिया में लिखा है हीरा, और तेजा जी में लिखा है क्या? तेज, और गुना। इन दोनों को यदि एक मिला के एक सेंटेंस बोला जाए तो सभी को पता है कि हीरा की चमक कई गुना तेज होती है। हीरा की चमक कई गुना तेज होती है। तो हीरा से हीरा भूमिया, गुना से गुना में लगता है, तेज से तेजा जी का मेला। चलिए अगला देखते हैं काना बाबा का मेला। ये कहाँ लगता है? हरदा में। कैसे? ये कहता है कि बाबा तो है, लेकिन ये बाबा कैसा है? काना है। ये बाबा कैसा है? काना है। पर वास्तव में ये बाबा काना नहीं था, लेकिन बाबा अब क्या है? काना है। काना बाबा है मतलब इसको कुछ चोट लग गई होगी, तब ना काना है। काना बाबा है मतलब इसे क्या? चोट लग गई है। तो बाबा काना है, ये काना बाबा है।
अच्छा बाबा काना है तो चोट लग जाने के कारण काना है, और सभी को पता है कि जब चोट लग जाता है, जब चोट लग जाती है तो क्या लगाते हैं लोग, हरदी। मैंने बोला हरदी, हरदी से क्या हरदा। चलिए दोस्तों एक बार और देख लो, मन धाता यानी मन विधाता में लग जाए उसे खंडित नहीं करना। गोट मार यानी गोता मार, गोता मार, गोता मारते हैं लोग कहाँ, नदी में, तो नदी से क्या जान नदी। बाण गंगा, अरे गंगा में बैठ के बाण चलाओगे तो सह नहीं पाओगे, डोल जाओगे। हीरा भूमिया और तेजा जी, हीरा की चमक कई गुना तेज होती है। ये बाबा काना है, काना बाबा है मतलब उसको क्या हरदी लगा दो। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला में यहां से पकड़ेंगे जल को, यहां पर पकड़ेंगे छतरपुर। कहां लगता है ये, छतरपुर में लगता है। कैसे, जल, जल मतलब होता है पानी या वर्षा, पानी। सभी लोग जानते हैं कि जब जल गिरता है यानी पानी गिरता है या जब बारिश होती है तो लोग छतरे का उपयोग करते हैं, या तो एक लॉजिक है अपना लो कि जब जल गिरता है पानी गिरता है तो लोग छत के नीचे चले जाते हैं। लोग कहाँ रहते हैं, छत के नीचे, या तो जब पानी गिरता है तो लोग छतरे का यूज, छतरे यानी छाते का यूज करते हैं। अगला देखते हैं सनकुआ का मेला, बड़ौनी का मेला, सोनगिरी का मेला और उन्नान का मेला। दोस्तों ये चारों मेले मध्य प्रदेश में कहाँ लगते हैं, दतिया में। चलिए दोस्तों इनको भी दौड़ा देख लिया जाए। सनकुआ में क्या लिखा है, कुआ, बड़ौनी में बड़ा, सोना में, सोनगिरी में सोना, गिरी, उन्नान, उन्नान का मतलब हम मना लेंगे यहाँ पर, उन्नान यानी स्नान, उन्नान यानी स्नान। कोई कहता है कि कुआं में बड़ा सा सोना गिर कर डट गया, डट गया यानी दब गया। कुआं में बड़ा सा सोना गिर कर डट गया, डटिया, डट गया, डटिया। तो वहां पर स्नान करने वालों, तो वहां पर स्नान करने वाले लोगों ने निकाला, कुआं में बड़ा सा सोना गिर कर डट गया, तो वहां पर स्नान करने वाले लोगों ने निकाला। मैंने बोला कुआं, कुआं से सन कुआं, बड़ा सा से बड़ौनी, सोना गिर कर मतलब सोनगिरी, स्नान से उन्नान, ये चार के चारों मेले दतिया में लगते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं चांदी देवी का मेला, चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला। दोस्तों ये मेला कहाँ लगता है, सीधी में लगता है। तो चलिए चांदी देवी या चंडी देवी, दोस्तों चंडी, चंडी को हम बोलेंगे क्या, चंडी यानी डंडी, चंडी यानी डंडी, चंडी यानी डंडी। दोस्तों डंडी जरूर देखे होंगे, डंडी यानी छड़, छड़ी की बात कर रहा हूँ, जैसे ये डंडी मान लेते कुछ पल के लिए, तो चंडी यानी डंडी। डंडी कैसी होती है, सीधी होती है। डंडी कैसी होती है, सीधी। मैंने बोला सीधी तो चंडी यानी डंडी, डंडी तो सीधी होती है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों गरीब नाथ का मेला। यहाँ क्या लिखा है, गरीब नाथ का मेला कहाँ लगता है, साजापुर में। दोस्तों गरीब नाथ में पकड़ेंगे किसको, गरीब को, गरीब जानते हैं सभी लोग, गरीब, निर्धन, गरीब। गरीब या तो मेला करने नहीं जाता, और यदि मेला करने जाता भी है, गरीब या तो मेला करने नहीं जाता, या तो मेला करने यदि जाता है तो सजकर मेला करने नहीं जाता, गरीब सजकर मेला करने नहीं जाता। दोस्तों अन्यथा नहीं लेना है, ये सब याद कराने की लॉजिक है, गरीब सजकर मेला करने नहीं जाता। मैंने बोला सजकर, सजकर से क्या साजापुर। अगला देखेंगे नागा जी का मेला, ये कहाँ लगता है, मुरैना में लगता है। नागा जी में लिखा क्या, नाग, नागा जी में क्या लिखा है, नाग। दोस्तों नाग तो सभी लोग देखे होंगे, नागा जी में लिखा है नाग। यदि आप नाग देखे हो तो नाग तो सभी को पता है कि नाग तो मुड़ मुड़ के चलता है। नाग कैसे चलता है, मुड़ मुड़ के चलता है, इसे मुड़ मुड़ के चलता है, मुड़ मुड़ के, और मुड़ मुड़ से क्या मुरैना। अगला देखेंगे भैरवनाथ का मेला, ये कहाँ लगता है, सिवनी में।
दोस्तों आप सभी को पता है कि भैरव भैरव तो भगवान शिव के अवतार हैं। भैरव तो भगवान शिव के ना अवतार हैं, तो भैरव किसके अवतार हैं? शिव के। तो शिव से क्या? शिवनी। अगला देखेंगे नौ देवी का मेला, ये कहाँ लगता है? रावतपुरा में। रावतपुरा भिंड में है दोस्तों। नौ देवी का मेला, कितनी देवी का मेला? नौ देवियों का मेला। सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि नौ देवी यानी नवरात्रि में हम लोग नौ देवी यानी की पूजा करते हैं। नौ देवी की पूजा पूरी रात करते हैं, रात पूरे रात करते हैं। नवरात्रि में नौ देवी की पूजा तो पूरे रात करते हैं, पूरे रात 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 पूरा रावतपुरा। अगला देखेंगे बालाजी का मेला, कौन सा मेला? बालाजी का मेला, ये कहाँ लगता है? बुरहानपुर में। बालाजी में लिखा क्या? बाला। बालाजी में क्या लिखा है? बाला। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि बाला यानी बालक। कुछ पल के लिए मान लें कि बाला यानी बालक, तो बाला यानी बालक, यदि कोई छोटा सा बालक, यदि कोई छोटा सा बालक बड़ी हान कर दे, यदि कोई छोटा सा बालक बड़ी हान कर दे तो उसे डांटा नहीं करते, उसे मारा नहीं करते। यदि कोई छोटा सा बालक बड़ी हान, बड़ी हान से क्या? बुरहानपुर। अगला देखेंगे मड़ई का मेला, कौन सा मेला? मड़ई का मेला। तो दोस्तों मड़ई का मेला, मड़ई जानते हैं सभी लोग दोस्तों, मड़ई मड़ई गांव में बनाते हैं लोग, मड़ई बनाते हैं। तो मड़ई मड़ई तो लोग डोरी से बांध के ना बनाते हैं, मड़ई तो लोग डोरी से बांध के बनाते हैं। मैंने बोला डोरी, डोरी से क्या? डिंडोरी। अगला देखेंगे शिव का मेला, किसका मेला? शिव का मेला, कहाँ लगता है? भोजपुर में। दोस्तों मध्य प्रदेश में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा भोजपुर में ही है। मध्य प्रदेश में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? भोपाल में। भोजपुर किसका प्राचीन नाम था? भोपाल का। तो शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा तो भोजपुर में है, तो भोजपुर से मिल जाएगा। शिव की प्रतिमा कहाँ है? भोजपुर में। अगला देखेंगे शहीद का मेला, ये कहाँ लगता है? सनाबद में। सनाबद में, सनाबद, इसको यदि कुछ पल के लिए माने ऐसा कि सनाबद यानी सुनो, सना यानी सुनो, बद यानी बद है, बद है। सुनो, जब किसी का बद हो जाता है तो शहीद ना हो जाता है। सुनो, जब किसी का बध हो जाता तो वो शहीद हो जाता है। अगला देखेंगे सिद्ध बाबा का मेला, ये कहाँ लगता है? श्योपुर में। सिद्ध बाबा का मेला कहाँ लगता है? श्योपुर में। ये बाबा है, कैसा बाबा है? सिद्ध बाबा है। ये बाबा कैसा है? सिद्ध बाबा है। पीछे मैंने पढ़ाया था एक बाबा और मिला था, कौन? काना बाबा। काना बाबा था, क्या लगाए थे? हरदी लगाए थे ना, तो हरदी से क्या? हरदा। लेकिन यहाँ पर ये बाबा तो है, लेकिन कैसा बाबा है? सिद्ध बाबा है। ये बाबा सिद्ध है, ये बाबा सिद्ध है, मतलब श्योर है, ये बाबा श्योर है, श्योर है। मैं पूरे श्योर के साथ कहता हूँ कि बाबा कैसा है? सिद्ध बाबा है। ये श्योर है कि बाबा क्या है? सिद्ध है। तो श्योर से क्या? श्योपुर। अगला देखेंगे सिद्धेश्वर का मेला, सिद्धेश्वर में सिद्धे, सिद्धे यानी सीधे ईश्वर, सीधे ईश्वर, सीधे ईश्वर यानी सीधे साधे ईश्वर, भोले भाले ईश्वर, भोले भाले ईश्वर। मैंने बोला भोले, भोले से क्या? शिव। भोले क्या? शिव। शिव से क्या? शिवपुरी। यानी सीधे साधे यानी भोले भाले ईश्वर तो भगवान शिव हैं, बहुत ही भोले हैं दोस्तों। तो सीधे साधे ईश्वर कौन है? भगवान शिव हैं। शिव से क्या? शिवपुरी। अगला देखेंगे कालू जी का मेला और संत सिंगा जी का मेला। कालू भी लिखा है कालू यानी काला, सिंगा यानी सिंघाड़ा। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि सिंघाड़ा काला होता है, सिंघाड़ा, सिंगा यानी सिंघाड़ा क्या होता है? काला होता है। सिंघाड़ा तो काला होता है जिसे कहाँ? गांव में बोया जाता है, गांव में, गांव में बोया जाता है। गांव से क्या? खरगोन। खरगोन के पिपलिया खुर्द में कालू जी और सिंगा जी का मेला लगता है। दोस्तों
मध्य प्रदेश में कुछ मेले जैसे गधों का मेला, गधों का मेला आपके ये उज्जैन में लगता है। गधों का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन, सबसे ज़्यादा मेला आपका उज्जैन में और सबसे कम होशंगाबाद में लगता है। दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तभी आप सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें भी बताना कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।